संयुक्त राष्ट्र में किस तरह से पाकिस्तान को एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ी है और करारा जवाब तो मिलना अभी बाकी है जब पीएम का संबोधन अब से कुछ देर के बाद शुरू होगा। लेकिन उसके पहले आज संयुक्त राष्ट्र के भीतर हिंदुस्तान ने किस तरह से अपना पक्ष रखा है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के सवाल पर जरा सुनिए। पाकिस्तान डिजायर्स पीस विद इंडिया एज विद ऑल इट्स नेबर्स बट सस्टेनेबल पीस इन साउथ एशिया इज कंटिंजेंट अपॉन resolution of the Jammu and Kashmir dispute in accordance with the relevant United Nations Security Council resolutions and the wishes of the Kashmiri people. Last February, we reaffirmed the 2003 ceasefire understanding along the line of control. The hope was that it would lead to a rethink of the strategy in Delhi. The onus remains on India to create a conducive environment for meaningful and result-oriented engagement with Pakistan. Regrettably, this is not the first time the leader of Pakistan has misused platforms provided by the UN to propagate false and malicious propaganda against my country and seeking in vain to divert the world's attention from the sad state of his country where terrorists enjoy free pass while the lives of ordinary people especially those belonging to the minority communities are turned upside down. तालिबानियों को शिक्षित कर उन्हें डिग्री देने में तालिबान के भीतर जिस तरह की स्थिति पैदा हुई उसको लेकर और अफगानिस्तान में बदली हुई परिस्थितियों के बाद संगीत रागी जी डर इस बात का और ज्यादा गहरा गया है कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद अब और फलेगा फूलेगा। यही वजह रही कि बहुत जरूरी हो गया था पाकिस्तान को एक बार फिर से संयुक्त राष्ट्र के मंच पर एक्सपोज करना। देखिए चित्रा जी, पाकिस्तान चाहे संयुक्त राष्ट्र के मंच को जितनी बार दुरुपयोग करे, जितनी बार कश्मीर के बारे में बात करे, लेकिन दुनिया का कोई भी देश, यहाँ तक कि इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के देश भी अब पाकिस्तान की बातों से सहमत नहीं है। वो कहीं कहीं कभी कभी एक आध बात जिक्र कर देते हैं बट इसके प्रति वो गंभीर तो कतई नहीं है। दूसरी बात, तालिबान का जब से दोबारा सत्ता में अफगानिस्तान में आना हुआ है तब से पश्चिम के देश खास करके इस बात के लिए बहुत सतर्क हो गए हैं। और यदि आप इसे समझना है तो आप दो दिन पहले का ब्रिटिश संसद में जो एक परिचर्चा चल रही थी आतंकवाद पर और खास करके इस्लामिक टेररिज्म के संदर्भ में जब जिक्र आया तो ब्रिटेन के एक सांसद ने कहा कि कश्मीर के अंदर भारतीय सेना और भारतीय लोकतंत्र, मैं जोर दे करके कह रहा हूं, भारतीय सेना और भारतीय लोकतंत्र नहीं होता तो कश्मीर के अंदर भी तालिबानी प्रवृत्तियां जागी होती, तालिबान जैसे ही हालात होते। मैं इसे सहमत नहीं हूं। मैं फिर कह रहा हूं, भारत का लोकतंत्र जीवंत है, एक एक एक, एक अरब 30 करोड़ की जनसंख्या के लिए बंदूक की आवश्यकता नहीं है। वो अपने लोकतंत्र के सहारे जम्मू एंड कश्मीर को राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जोड़ चुका है। लेकिन जो दुनिया की समझ बनी है पाकिस्तान के लिए, सब कोई जानता है कि अब पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद ही जो है वो बहुत बड़ा कारण रहा है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो हिंसा होती है, जो आतंकवाद होता है। आपको जानकारी मैं बता दूं, 56 ऐसे इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कुछ उसमें से सुसुप्त हो गए हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसे 56 इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान प्रायोजित है अथवा अन्य देशों के द्वारा प्रायोजित जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में यदि कहीं भी बम धमाके हों, कहीं भी, चाहे वो सिडनी के अंदर हो, चाहे वो मेलबर्न के अंदर हो, चाहे वो जर्मनी के अंदर हो, चाहे वो पोलैंड के अंदर हो, कहीं भी बम धमाके होते हैं तो कहीं ना कहीं उसका तार पाकिस्तान की तरफ जाता है। और यदि पाकिस्तान के आप मित्रों से बात करेंगे जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, उनसे यदि आप व्यक्तिगत बातचीत करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, तो वो अपने राष्ट्र के राष्ट्रीय नेताओं को लगभग कोसते हैं और कहते हैं कि हम पूरी दुनिया में बदनाम होते हैं। जहीं कहीं भी पाकिस्तान का नागरिक जाता है, एक हिथ्रो हवाई अड्डे पर जाता है तो जिस प्रकार से, जिस बेरहमी से उनकी तलाशी ली जाती है, ऑस्ट्रेलिया जाता है, जिस निर्दयता के साथ उनकी तलाशी ली जाती है, वो कहता है कि हमें बहुत दुख पहुंचाता है, हमारी सारी गरिमा जो है वो ध्वस्त हो जाती है। जो बातें वो कह रहे हैं, आप और मुंह की तो आपको तब भी खानी पड़ी है जब बीते 8 महीनों से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इंतजार कर रहे हैं कि जो बाइडेन फोन करे, यार एक फोन ही आ जाए, कुछ भी बोल दे, लेकिन फोन भी नहीं आ रहा है अमेरिका से।
और कल की तस्वीरें देखिए भारत और अमेरिका के संबंधों की। आतंकवाद को पालने पोसने वाले देश हैं आप, मानवता के लिए सबसे ज्यादा बड़ा खतरा तो आप ही हैं, सुधरने को तैयार क्यों नहीं होते हैं याकूब साहब? आपको असल में पाकिस्तान फोबिया हो गया, और मैं अपने पैनलिस्ट को बिल्कुल भी इंटरप्ट नहीं करता जब वो पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे होते हैं। लेकिन कल से जिस खुशफहमी का शिकार आप लोग हैं कि बड़ा ओवरवेलमिंग मोदी साहब को वहां पे ओवरवेलमिंग रिसेप्शन मिला, व्हाइट हाउस में बड़ा रेस्पेक्ट मिली, ठीक है।